युवा जोश से लबरेज हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि उन्हें बागडोर सौंपी जाए। सबसे कम उम्र के लोगों को कमान सौंपी जाए। युवाओं के पास अनुभव लेने का सबसे ज्यादा समय है और कुछ कर दिखाने की चाहत और जज्बा। भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए देश के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवा शक्ति अपनी ऊर्जा से सशक्त राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देंगे, ये कहना है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन का। वो गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कुलाधिपति सुरेश जैन ने यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण किया। प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने टिमिट और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के वक्त यूनिवर्सिटी के जवानों ने भी तिरंगे को सलामी दी। निदेशक छात्र कल्याण डॉक्टर MP सिंह ने आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान FOCS के डायरेक्टर प्राचार्य डॉक्टर RK द्विवेदी, TMDRC के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष गोयल, कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर KK झा, पैरामेडिकल के प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीत कुमार, टिमिट के डायरेक्टर प्रोफेसर विपिन जैन और MBBS, BDS, नर्सिंग, CCS, IT, पैरामेडिकल और मास कॉम के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कुलाधिपति सुरेश जैन बोले, भारत के झंडे में इतनी ताकत है कि हर एक जवान इस पर मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहता है। आज पूरा विश्व भारत की ताकत और एकता का शिद्दत से एहसास करता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट रहें, आगे बढ़ें, लक्ष्य को हासिल करें। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए ये भी बताया कि भारत में लोग विभिन्न जाति और समुदाय से होने के बावजूद एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अंत में तिरंगे को आन बान और शान का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि तिरंगा सभी भारतीयों का गर्व है, तिरंगा सर्वोपरि है, बाकी सभी झंडे तिरंगे से नीचे आते हैं। FOECS के डायरेक्टर प्राचार्य डॉक्टर RK द्विवेदी बोले, अहिंसा परमो धर्म है। आज हमारी दूसरी ओर BDS की प्रीति जैन ने करो नाम रोशन माँ बाप का पर रैप प्रस्तुत किया। इसके उपरांत बतौर मुख्य अतिथि कुलाधिपति सुरेश जैन ने मदन स्वरूप इंटर कॉलेज में भी ध्वजारोहण का तिरंगे का सम्मान किया। इसके बाद राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन हुआ। एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कैंपस कार्यक्रम के दौरान हॉस्टल वार्डन उत्तम तिवारी, गर्ल्स हॉस्टल वार्डन सुषमा भदौरिया, AR मनीष तिवारी और आदि की गरिमा मई मौजूदगी रही। गणतंत्र दिवस का ये अवसर है और आप लोग दूर दूर से मदन स्वरूप इंटर कॉलेज में आते हैं और ये सोचकर आपके माँ बाप ने आपको यहाँ एडमिट कराया होगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप किसी काबिल बनोगे, क्योंकि ये 2-4 साल की मटर मस्ती यहाँ की और उसके बाद कॉलेज की सारी जिंदगी का दुख दे देती है। और यहाँ का आपका एटीट्यूड, यहाँ का आपका जज्बा और जोश और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है या करने वाले हो, कुछ ऐसा जरूर करना जो अपने गांव का, अपने घर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। स्वरूप इंटर कॉलेज से जो बच्चे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में बेहतर होते हैं, बेहतर डिसिप्लिन वाले होते हैं, बेहतर एजुकेशन रहने वाले हैं। ये जो भी मंजिल आपने तय की है उस मंजिल की ओर आगे आप जब भी आगे बढ़ो तो पीछे मुड़के मत देखना जब तक मंजिल मिल न जाए। तरीके से आज आप लोग आए हुए हैं, वेल प्रिपेयर्ड, नाइसली ड्रेस्ड, पूरे जोश के साथ और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आप सभी को इस 71वें गणतंत्र दिवस की तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे स्वामी विवेकानंद का वो एक स्लोगन याद आ रहा है, वो एक शान से तेरी गजब की तेरे पर है
म्युनिसिपल लॉ कॉलेज को शुभकामनाएं देता हूँ रिपब्लिक डे की। थैंक यू आप सभी का कि आप सुबह आज ठंड के मौसम में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।